गुड मॉर्निंग, आज हम ME 306 सब्जेक्ट से यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में देखेंगे। तो जो कंटेंट्स होंगे, दीज विल बी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। सो इन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जो वर्क है वो टेबल पर सपोर्ट होता है विच इज़ स्टेशनरी, मतलब जो वर्क टेबल पर सपोर्टेड है वो स्थिर रहता है एंड जो टूल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इस मशीन के द्वारा बोरिंग, रीमिंग, टर्निंग, फेसिंग, मिलिंग और अदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ऐसे वर्क पीसेस जो हैवी, इरेगुलर, अनसिमेट्रिकल या बल्की होते हैं उन्हें कन्वीनियंटली, मतलब आसानी से मशीन कर किया जा सकता है। अब डिफरेंट पर्पसेस को मीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन डिज़ाइंड हैं। पार्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, बोरिंग मशीन में जो वेरियस पार्ट्स हैं, दीज आर बेड, हेडस्टॉक, हेडस्टॉक सपोर्टिंग कॉलम, एंड सपोर्टिंग कॉलम, सैडल एंड टेबल, बोरिंग बार्स। दिस डायग्राम शोज हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जिसमें वेरियस पार्ट्स को दिखाया गया है एंड दिस स्लाइड शोज 3D व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो जो पार्ट्स अभी हमने देखे वो मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। दिस इज़ बेड जो बेस की तरह एक्ट करता है और इसके ऊपर मशीन के अदर पार्ट्स को सपोर्ट किया जाता है। दिस इज़ मेन कॉलम जिसके ऊपर हेडस्टॉक लगा रहता है। दिस इज़ एंड सपोर्ट कॉलम जिसके अंदर बियरिंग ब्लॉक होता है जो लॉन्ग बोरिंग बार्स को होल्ड करने के लिए काम में आता है। मेन कॉलम के ऊपर हेडस्टॉक है। हेडस्टॉक में दिस इज़ स्पिंडल जो रोटेट करता है। बेड के ऊपर सैडल माउंट होता है एंड सैडल के ऊपर टेबल माउंट होती है। अब अलग अलग पार्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। जो सैडल है वो बेड के ऊपर ऐसे लॉन्गीट्यूडनली मूव कर सकता है। जो टेबल है वो सैडल के ऊपर ऐसे क्रॉसवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जो हेड स्टॉक है वो कॉलम के ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट पॉसिबल है और जो एंड सपोर्ट कॉलम है वो बेस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली स्लाइड कर सकता है। सो ये मूवमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के। नाउ कंस्ट्रक्शन, जो बेड है वो बॉक्स लाइक कास्टिंग होता है एंड इट इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन और ये मशीन के अदर पार्ट्स लाइक कॉलम, टेबल, सैडल उनको सपोर्ट करता है। हेड स्टॉक, जो हेड स्टॉक है उसमें स्पिंडल लगा रहता है जो रोटेट करता है और हेड स्टॉक बोरिंग टूल को सपोर्ट करता है और उसको ड्राइव और फीड प्रदान करता है। जो हेड स्टॉक है इट मूव्स अप एंड डाउन ऑन द कॉलम फॉर सेटिंग द टूल फॉर वेरियस हाइट्स ऑफ द वर्क पीस। अब हो सकता है कि वर्क पीस की हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो तो उन वर्क पीस की हाइट के अकॉर्डिंग हेड स्टॉक को कॉलम के ऊपर स्लाइड करके टूल को एडजस्ट कर सकते हैं। जो बोरिंग टूल है वो बोरिंग हेड में लगा रहता है और बोरिंग हेड हेड स्टॉक में लगा होता है। थर्ड इज़ हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम। दिस वन इज़ द मेन कॉलम जिसके ऊपर हेड स्टॉक लगा रहता है और इसके फेस पर
गाइडवेज बने होते हैं जिनके ऊपर हेडस्टॉक अप एंड डाउन स्लाइड कर सकता है। एंड सपोर्टिंग कॉलम, जो एंड सपोर्टिंग कॉलम है वो आपने डायग्राम में देखा था कि बेड के अदर एंड पर लगा होता है और इसमें बियरिंग ब्लॉक होता है जो लॉन्ग बार्स को सपोर्ट करने के काम में आता है। मैंने आपको मूवमेंट बताया था कि इस कॉलम को हम बेड के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली स्लाइड कर सकते हैं, जिससे जो बोरिंग बार है उसकी लेंथ को एडजस्ट किया जा सके। लाइक ये वाला जो गैप है इसको हम इस कॉलम को ऐसे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। सैडल एंड टेबल, जो टेबल है इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट द वर्क पीस, और टेबल के ऊपर इस तरीके से टी स्लॉट कटे होते हैं जिनमें टी बोल्ट और क्लैम की सहायता से वर्क पीस को होल्ड किया जाता है। टेबल सैडल के ऊपर क्रॉसवाइज मूवमेंट कर अलाउ है, टेबल को सैडल के ऊपर क्रॉसवाइज मूवमेंट करा सकते हैं। जो सैडल है वो बेड के ऊपर होता है और इस सैडल के ऊपर टेबल सपोर्ट होती है एंड सैडल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से वर्क को लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट दिया जा सकता है। नाउ बोरिंग बार्स, जो बोरिंग बार्स हैं डैट सपोर्ट्स द कटर फॉर बोरिंग ऑपरेशन ऑन जॉब्स हैविंग लार्ज बोर डायामीटर्स, ऐसी जॉब्स जिनके लार्ज बोर डायामीटर होता है उनको, उनके कटर्स को सपोर्ट करने के लिए बोरिंग बार काम में ली जाती है। और फॉर शॉर्ट होल्स बार जो है वो हेडस्टॉक स्पिंडल के एंड पर ही सपोर्ट होती है, और फॉर लॉन्ग वर्क जो बोरिंग बार है उसका एक एंड तो हेडस्टॉक स्पिंडल हेडस्टॉक पर सपोर्ट करते हैं और जो दूसरा एंड है उसे कॉलम बियरिंग ब्लॉक में सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स डिटेल ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। नाउ एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ काम में ली जा सकती है, दीज आर, इट इज़ यूज्ड टू ड्रिल बोर रीम होल्स, वाइडली इट इज़ यूज्ड इन बैच प्रोडक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मशीनिंग पार्ट्स लाइक गियर बॉक्सेस एंड इंजन ब्लॉक्स। नाउ इस मशीन के जो एडवांटेजेस हैं दीज आर, इट इज़ मोस्ट वर्सटाइल मशीन, वर्सटाइल मीन्स कि एक ऑपरेशन के अलावा इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, मतलब इस पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इट इज़ वर्सटाइल मशीन। इट कैन हैंडल मीडियम टू लार्ज साइज पार्ट्स जो ड्रिलिंग मशीन पे इजीली हैंडल नहीं हो सकते। वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स एंड फीड्स आर अवेलेबल। जो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है इस मशीन की, डैट इज़ इट कैन नॉट हैंडल वर्क पीस हैविंग ग्रेटर डायामीटर और विड्थ। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है उसका सब क्लासिफिकेशन इज इट कैन बी फ्लोर टाइप, प्लेनर टाइप एंड मल्टीपल हेड टाइप। तो दिस स्लाइड शोज द डायग्राम ऑफ फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। जो पार्ट्स हैं डैट रिमेन सेम, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो जो डिफरेंस है डैट इज़ इस टाइप की मशीन में नो टेबल, कि टेबल का यूज़ नहीं लिया जाता है। इसमें एक स्टेशनरी फ्लोर प्लेट होती है जिसके ऊपर टी स्लॉट्स बने होते हैं और वर्क को डायरेक्टली इस फ्लोर प्लेट पे माउंट किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग वेरी लार्ज एंड हैवी वर्क पीसेस विच आर डिफ़िकल्ट टू बी माउंटेड ऑन टेबल। लार्ज और हैवी वर्क पीसेस जिन्हें टेबल पर माउंट नहीं कर सकते, उन वर्क पीसेस के लिए दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड। नेक्स्ट इज प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। जो प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है ये प्लेनर मशीन को रिजेंबल करती है, क्योंकि इसमें जो टेबल है वो बेड के ऊपर डायरेक्टली माउंट होती है इंस्टेड ऑफ सैडल, और वो टेबल बेड के ऊपर ही रेसिप्रोकेटरी मोशन करती है। दिस मशीन इज सूटेबल फॉर सपोर्टिंग लॉन्ग वर्क। द थर्ड वन इज मल्टीपल स्पिंडल हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन।
इस मशीन में जो टेबल है डैट इज़ सपोर्टेड ऑन लॉन्ग बेड ऑन विच इट रेसिप्रोकेट्स, टेबल बेड पर ही सपोर्ट होती है और वो उस पर रेसिप्रोकेटरी मोशन करती है। इस मशीन में दो कॉलम होते हैं और इन दोनों कॉलम के बीच में क्रॉस रेल लगा रहता है। इसमें 2, 3 या 4 हेड स्टॉक होते हैं। और जैसे ये वाला हेड स्टॉक एंड दिस हेड स्टॉक का जो स्पिंडल है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, और ये जो क्रॉस रेल पे जो ये वाला हेड स्टॉक है इट इज़ वर्टिकल, तो इसका स्पिंडल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो इस मशीन का जो बेनिफिट है वो ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ की तरीके से इस मशीन को हम काम में ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। थैंक यू।